वेलकम टू एस पी एम आई एस अकेडमी डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और उससे रिलेटेड MCQs आपके साथ शेयर करता हूँ। यू कैन राइट दैट आंसर एंड सबमिट द आंसर ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द फैकल्टी रिव्यू पर्पस। आज का क्वेश्चन है हमारा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी से। क्वेश्चन 2019 मेंस में यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है और उसी क्वेश्चन को एक बार मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज़ अ फॉर्म ऑफ करप्शन। देन इट इज़ आस्किंग यू दैट वॉट इज़ योर व्यू ऑन दिस। इट इज़ आस्किंग यू वेदर यू अग्री विद दिस और यू डू नॉट। और उसके बाद वो बोल रहा है कि जो भी आपका आंसर हो आप इसको जस्टिफाई करिए। देखिए अगर आप कल का क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया था जहाँ पर आपका व्यू मांगा गया था और उसके बाद जस्टिफाई करने को बोला गया था। जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आपसे आपका व्यू मांगा जाता है और उसके बाद एक्सप्लेन करने को या जस्टिफाई करने को बोला जाता है, वहाँ पर आपको सबसे पहले ही अपना स्टैंड जो होता है वो क्लियर करना होता है, उसके बाद जस्टिफाई करना होता है एंड बाय द एंड इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन चेंज योर स्टैंड ऑल्सो और यू कैन कीप द सेम स्टैंड। तो यहाँ पर भी हम लोग इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। चार चीज़ों में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्या करप्शन है और कैसे एविडेंसेस होते हैं कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज़ इक्वल टू करप्शन। उसके बाद बताएंगे कि कैसे इन सर्टेन केसेस वेयर अ पब्लिक सर्वेंट इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ करप्शन, ये भी बताएंगे हम लोग और उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। एज द क्वेश्चन इज ऑफ ओनली 10 मार्क्स एंड इट हैज़ टू बी आंसर्ड इन 150 वर्ड्स, मैंने यहाँ पर वे फॉरवर्ड एक्सप्लिसिटली नहीं दिया है। अगर आपके पास स्पेस बचती है देन यू कैन राइट द वे फॉरवर्ड ऑल्सो। द रेफरेंस न्यूज़पेपर फॉर दिस इज 27 नवंबर 2020, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है सत्यजीत सर ने डिस्कस करी है। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए हैं इंट्रोडक्शन के। यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम्पल है वहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के साथ। आपसे मैं पहले भी बता चुका हूँ ऐसे सारे इंट्रोडक्शन जहाँ पर किसी एक डेटा को लेकर के स्टार्ट करा जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि दीज आर फैक्चुअल काइंड ऑफ द इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सबसे मैंने बताया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो डेफिनेशन है करप्शन की, उसमें बोला जाता है कि करप्शन का मतलब है अब्यूज ऑफ पावर जिससे सोसाइटी का मॉरल फैब्रिक इरोड हो रहा हो। नोटिस करिएगा डेफिनेशन में बोला गया है अब्यूज ऑफ पावर विच इज़ इरोडिंग द मॉरल फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। एंड देन आई हैव रिटन दैट इट्स अ ब्रॉड डेफिनेशन एंड इट विल इंक्लूड द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इन द फॉर्म ऑफ ओमिशन और एबडिकेशन ऑफ ड्यूटी बाय द पब्लिक सर्वेंट। और उसके बाद मैंने डेटा दिया है कि इंडिया जो है वो टॉप में मिला है साउथ एशिया में जहाँ पर लोग पर्सनल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हैं टू गेट अ पब्लिक सर्विस डन एंड दिस इज़ अगेन एज पर द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिससे हमें पता चलता है कि जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी होती है पब्लिक सर्वेंट द्वारा उससे करप्शन होता है। और उसके बाद मैं बोलूँगा कि इससे रिलेटेड एविडेंसेस नीचे डिस्कस कर रहे हैं। तो मोटा मोटा अगर आप इस पैराग्राफ में देखें तो सबसे पहले तो मैंने करप्शन को डिफाइन कर दिया है इन दो पैराग्राफ्स में जहाँ पर सेम मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ही डेफिनेशन यूज़ करी है। उसमें बोला है कि डेफिनेशन के हिसाब से नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी जो होगा वो भी आ जाएगा करप्शन में ही। और उसके बाद फिर मैंने एक डेटा भी दे दिया है कि किस तरह से इंडिया में बिकॉज पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करते हैं दे आर ओमिटिंग देयर ड्यूटी सो पीपल हैव टू यूज़ द पर्सनल इन्फ्लुएंसेस टू गेट अ पब्लिक सर्विस डन एंड दैट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो मैंने यहाँ पर रिलेट कर दिया है कि क्यों किस तरह से नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी जो है वो करप्शन में रिजल्ट कर रहा है बाय गिविंग स्मॉल डेटा। अब आ जाते हैं ज़रा सेकंड टाइप का इसी टाइप का एग्जांपल देखने में। यहाँ पर मैंने स्टार्ट करा है पब्लिक सर्वेंट के बारे में कि उसके क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा है कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होता है और मॉरल ऑब्लिगेशन ये होता है कि उसको अपनी ड्यूटीज़ करनी होती है ऑब्जेक्टिव तरीके से और ये ड्यूटीज़ जो होती हैं दीज आर डेडिकेटेड टू द पब्लिक गुड।
और ऐसे में अगर वो पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता है, वो नॉन परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज को, देन इट मीन्स दैट ही इज़ वायलेटिंग द मॉरल ऑब्लिगेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन हिम, और इससे उसकी इंटीग्रिटी पर करप्शन होता है, इससे उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन होता है, एंड दैट इज़ अ करप्शन। तो यहाँ पर मैंने बोला है कि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन मैंने रेज कराया है, और ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि उसे समाज के भले के लिए, पब्लिक गुड के लिए अपना काम को प्रॉपरली करना होता है, और ऐसे में अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली इट्स अ करप्शन। और उसके बाद अगेन मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का ही डेटा यहाँ पर कोट करा है, ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर का, और उसमें मैंने बोला है कि इंडिया में हाईएस्ट ब्राइबरी रेट है, और ये ब्राइबरी रेट इसीलिए है क्योंकि पब्लिक सर्वेंट अपना काम प्रॉपरली नहीं करते हैं, देयर इज अ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी, एज अ रिजल्ट वो जो सोसाइटी के लिए उनका जो मॉरल ऑब्लिगेशन है उसको वायलेट कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ब्राइबरी होती ही होती है। तो ये दो पैराग्राफ के थ्रू मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है। अब आगे के पैराग्राफ में इन द मेन बॉडी ऑफ द आंसर आई एम गोइंग टू फर्स्ट लिंक द नॉन परफॉर्मेंस लीडिंग टू द करप्शन। कुछ पॉइंट के थ्रू मैं रिलेट करने की कोशिश करूंगा कि नॉन परफॉर्मेंस कैसे करप्शन में रिजल्ट करता है और कैसे वो करप्शन होता है। सबसे पहली बात होती है कि जब भी पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करते हैं, दे आर नॉन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, दिस इज कॉजिंग अ वायलेशन ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इकोनॉमिक्स के या पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के बच्चे हैं उन्होंने पहले ही पढ़ा होगा। बाकी बच्चों के लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का क्या है। बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी है, लेकिन उसका जो नेट समरी है वो ये होती है कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, और जो लोग होते हैं, द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, दे आर अंडर अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इन दोनों के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि जो सरकारें होती हैं, जो गवर्नमेंट होती है, उसको लोगों के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है। उन्होंने लोगों को बोला है कि हम तुम्हारे राइट प्रोटेक्ट करेंगे, और इसके रिटर्न में लोग कुछ पावर्स दे देते हैं गवर्नमेंट को। आपको भी हमारे देश में पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमको हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है, और इन रिटर्न सरकार के पास पुलिस की पावर, आर्मी की पावर, ऐसी पावर होती है जिसमें लोग जो होते हैं वो सरकार को पावर देते हैं। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर सरकारें जो होती हैं लोगों के हक, लोगों को हक देती हैं, उनको उनका हिस्सा देती हैं, उनके हक देती हैं, उनके राइट्स देती हैं, एंड इन रिटर्न जो हमारे देश की जनता है वो उनको पावर देती है। और ऐसे में अगर ये जो सरकार है ये इस पावर का मिसयूज़ करेगी तो लोग जो होते हैं वो इसको रिप्लेस कर देते हैं, और दे ओवरथ्रो इट। दैट इज़ अ समरी ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर सरकार के जो अधिकारी हैं, दैट मीन्स पब्लिक सर्वेंट जो हैं, अगर वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, एज अ रिजल्ट दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक एंड अब्यूसिंग द पावर। आप देख सकते हैं कि जब सरकारें अब्यूज़ करती हैं अपनी पावर को या मिसयूज़ करती हैं पावर को, तो लोग उसको हटा देते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जनता के बीच में और सरकार के बीच में, और सरकार जनता को उसके हक की चीज़ें नहीं देती है, क्योंकि सरकार के जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नॉन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे जनता का हक मारा जाता है, उनके राइट्स ख़त्म होते हैं, और जब उनके राइट्स ख़त्म होते हैं तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ करप्शन, क्योंकि जनता जो है वो सरकार को हटा देगी। इसको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। देखिए, अगर कोई फेयर प्राइस शॉप जो होती हैं अंडर द PDS सिस्टम में, आपने देखा होगा जो राशन की कंट्रोल की दुकानें होती हैं अंडर द PDS सिस्टम, वहाँ पर जो शॉप ओनर है वो अगर अपनी दुकान टाइम पर नहीं खोल रहा होता है, तो बहुत सारे जो गरीब लोग विच आर डिपेंडेंट ऑन दैट शॉप, कि जिनको बहुत सस्ते में राइस, वीट, ये सब मिलता है, तो उनकी नुकसान होता है, उनका जब नुकसान हो जाता है, ऐसे में दिस विल बी कंसिडर्ड एज एन अब्यूज़ ऑफ पावर बाय दैट शॉप ओनर, और लोगों को गुमराह करने की बात होगी, मिसलीड करने की बात होगी। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ अ करप्शन।
क्योंकि अगर आप डेफिनेशन देखेंगे करप्शन की, तो उसमें बोला ही गया था करप्शन इज एन अब्यूज ऑफ पावर विच इज इरोडिंग द मॉरल फैब्रिक। और ऐसे में अगर कोई फेयर प्राइस शॉप ओनर अपनी दुकान नहीं खोल रहा है टाइम पर, दैट मीन्स इट इज़ अब्यूजिंग द पावर एंड इट इज़ ऑल्सो मिसलीडिंग द पीपल। सो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ करप्शन, बिकॉज दैट गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ओपनिंग हिज शॉप ऑन टाइम, एज अ रिजल्ट इट इज़ अब्यूसिंग इन पावर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह से नॉन परफॉर्मेंस जो होता है वो करप्शन के इक्वेलेंट होता है। देखिए, जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहा है या अपनी ड्यूटी में से कोई काम ऑमिट कर दे रहा है, पूरा पूरा नहीं करता है, तो उससे पब्लिक सर्वेंट्स का अनप्रोफेशनल नेचर सामने आ जाता है। और जब भी कोई अनप्रोफेशनल होता है तो सामने वाले सिटीज़न जो होता है उसके मन में डाउट आएगा ही आएगा। आपको पता ही है कि अगर कोई प्रोफेशनल होता है तो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और उनको लगता है कि वो सही कर रहा है। लेकिन अगर कोई अपना काम हैफजार्ड तरीके से करता है, ठीक से नहीं करता है, अधूरा काम करता है, तो वो अनप्रोफेशनल होता है और अनप्रोफेशनल लोगों के ऊपर लोगों को हमेशा ही डाउट रहता है। और ऐसे में लोगों को लगता है कि ज़रूर ये करप्ट होगा, कुछ गलत कर रहा होगा। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि अगर कोई पेंशन ऑफिसर है, वो पेंशन लोगों की, गरीब जनता की पेंशन टाइम पर नहीं रिलीज करता है, तो लोगों को लगता है कि जरूर इसे ब्राइब चाहिए होगी, तभी ये हमारी पेंशन नहीं रिलीज कर रहा है। इसके बाद देखते हैं कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं करता है ठीक से, तो एक्चुअली ही इज कॉजिंग द वेस्टेज ऑफ द पब्लिक रिसोर्स। इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर क्राइम को ठीक से नहीं कंट्रोल कर पाता है या फिर क्राइम के केसेस पर टाइम पर नहीं पहुंचता है, तो एक्चुअली ही इज़ अ बर्डन ऑन आवर रिसोर्सेज, क्योंकि उसकी सैलरी तो मिल जा ही रही है और ऐसे में अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो इट इज़ कॉजिंग अ वेस्टेज ऑफ द पब्लिक रिसोर्स। जनता का वो पैसा जो टैक्स के थ्रू हम सरकार को देते हैं, और उस सरकार उस टैक्स के पैसे का यूज़ करके पुलिस और डिफरेंट टाइप के पब्लिक सर्वेंट हमारे लिए लाती है, और उसमें से कोई पब्लिक सर्वेंट अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब हमारे टैक्स के जो पैसे हैं उनका वेस्टेज हो गया। इसके अलावा देखते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं विच आर नॉन परफॉर्मिंग, उसकी वजह से जो अच्छे पब्लिक सर्वेंट होते हैं, जो कि ऑनेस्ट होते हैं और जो अपना काम ठीक से करते हैं, वो भी डिस्करेज होते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि हमारे आसपास के कुछ पब्लिक सर्वेंट अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है हमें भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे में एक कल्चर बनता चला जाता है कि जहाँ पर अच्छा काम करने को वैल्यू नहीं करा जाता है, ऑनेस्टी को वैल्यू नहीं करा जाता है। और लास्ट एक पॉइंट बताता हूँ कि जब भी पब्लिक सर्वेंट नॉन परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को, अपने काम को नहीं ठीक से करते हैं, इट इज़ इरोडिंग द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। जनता के मन में से विश्वास उठ जाता है, और ऐसे में वो लोग जिनको अपना काम टाइम पर चाहिए, जिनको सरकारी काम को टाइम पर चाहिए ही होता है, दे आर इवन विलिंग टू पे द ब्राइब। और फिर लगता है कि ब्राइब देने से ही काम होता है, जिसकी वजह से करप्शन एक सोशल प्रॉब्लम बन जाती है। इट इज़ नो लॉन्गर अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफिसर। हर कोई करप्शन एक्सपेक्ट करने लगता है, अगर टाइम पर काम चाहिए, फिर चाहे वो डिलीवरी वाला ही क्यों ना हो, वो पब्लिक सर्वेंट ना हो, कोई आम प्राइवेट कंपनी वाला भी हो, उसको भी लगेगा कि जब कुछ पैसे मिलेंगे तभी, कुछ ब्राइब मिले तभी हम काम करेंगे। तो बिल्कुल ट्रस्ट ही खत्म हो गया। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग सम कट फ्रॉम समथिंग। करप्शन एक सोशल प्रॉब्लम ही बन जाएगी, जनता एक्सेप्ट कर लेगी कि कुछ ना कुछ तो ब्राइब देनी ही पड़ेगी, तभी काम बनेगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि करप्शन जो है इस तरह इतना प्रिविलेंट हो गया है इंडिया में कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट करा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस हैं वो सोचते हैं कि करप्शन तो अब रिपोर्ट करने लायक भी नहीं है, और दे विल सफ़र सम और द अदर फॉर्म ऑफ द रिटेलिएशन, तो वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, एंड एज अ रिजल्ट इट इज़ बिकमिंग इवन मोर अ सोशल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इन 5 पॉइंट के थ्रू मैंने रिलेट करने की कोशिश करी है कि कैसे कोई भी पब्लिक सर्वेंट जब अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उससे करप्शन बढ़ता है या करप्शन होता है अगर वो ड्यूटी नहीं करता है। अब देखते हैं वैसे केसेस जहाँ पर अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो उसे करप्शन नहीं बोला जा सकता है, ऐसी चीज़ों को देखते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी ही ऐसी हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चली जाती है,
और ऐसी ड्यूटी को वो करने से मना कर देता है या प्रॉपरली नहीं करता है तो उसको करप्शन नहीं बोला जा सकता है। ऐसे केसेस में पब्लिक सर्वेंट अपना इनर कॉन्शियसनेस जो होती है उसको यूज़ करता है और डिसाइड करता है कि क्या उसका जो ऑर्डर है, उसकी ड्यूटी है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एग्जाम्पल है कि अगर कोई आर्म्ड फोर्सेस का आदमी है और उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है और वो फिर भी आम जनता के ऊपर गोली नहीं चला रहा है तो उसको हम लोग करप्शन नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसने अपना इनर कॉन्शियसनेस यूज़ करा और उसको लगा कि शूट एट साइट का ऑर्डर है, फिर भी उसको गोली नहीं मारनी है। सो इवन दो ही हैज़ नॉट फॉलोड हिज ड्यूटी, येट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ करप्शन। नेक्स्ट ऑर्डर होता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी केस में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है या कोई प्रोसीजर ऐसा है कि जो कि पूरा नहीं करा जा सकता और ऐसे में कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पाता है तो उसको भी करप्शन नहीं बोला जाएगा। आपको पता ही होगा कि किसी भी डॉक्टर को किसी पेशेंट के ऊपर ऑपरेशन करने से पहले कॉन्सेंट फॉर्म साइन कराना पड़ता है, और ऐसे में अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है वो किसी पेशेंट के ऊपर डायरेक्टली ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका कॉन्सेंट फॉर्म उसकी फैमिली ने टाइम पर साइन करके नहीं दिया है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते कि ये करप्शन है। इवन दो बोला जाएगा कि दैट डॉक्टर हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, येट इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ करप्शन बिकॉज देर आर सम टेक्निकल प्रॉब्लम और द प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स इन प्लेस। इसके अलावा देख सकते हैं कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी है वो पब्लिक एथिक्स के अगेंस्ट जाती है और ऐसे में वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है प्रॉपरली तो उसको भी करप्शन नहीं बोला जाएगा। सपोज़ अगर किसी पब्लिक सर्वेंट या किसी पुलिस को कोई ऐसा ऑर्डर मिलता है जो कि ह्यूमन राइट्स का ही वायलेशन हो जाता है तो उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि अगर ऐसे में किसी पुलिस ऑफिसर ने काम नहीं करा तो उसने करप्शन करा। बहुत सारी बार सरकारें ऐसे ऑर्डर पास कर देती हैं जिसमें जो स्लम्स होते हैं उनको हटाना होता है, बहुत बार कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जिसमें एल्डरली जो होते हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट होती है या विमेन की डिसरिस्पेक्ट हो सकती है, और ऐसे में अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं कर पाता है तो उसको करप्शन नहीं बोला जा सकता है। नाउ वी हैव सीन बोथ द साइड्स। एक तरफ हमने देख लिया कि कैसे नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी को करप्शन हो जाता है, दूसरी तरफ हमने देख लिया कि किन किन केसेस में जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी जो है वो करप्शन नहीं भी होता है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में मैंने बोला है कि देखिए बहुत सारे केसेस हैं जहां पर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी को करप्शन हम लोग मान सकते हैं, लेकिन बहुत सारे काउंटर एग्जांपल्स भी हैं जहां पर ऐसा नहीं है। सो केवल इस बात से नहीं बोला जा सकता है कि अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नहीं परफॉर्म कर रहा है तो वो करप्शन कर रहा है, इसका जनरलाइज नहीं करा जा सकता। बहुत ज़रूरी है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की इंटेंशन, उसका एथिकल कैरेक्टर और जो कुछ भी अगर उसने अपनी ड्यूटी में परफॉर्म नहीं करा है तो उसका आउटकम क्या रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए और उसी के बेसिस पर हम जज कर सकते हैं वेदर इट इज़ अ करप्शन और इट इज़ नॉट अ करप्शन। सो इस टाइप का आप एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दे सकते हैं और उसके बेसिस पर आप बता सकते हैं। अगर आपको कुछ लिखना भी है इस पर वे फॉरवर्ड के जैसा तो आप मिशन कर्मयोगी की बात कर सकते हैं, 4C अप्रोचेस की बात कर सकते हैं, ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। सो इन दिस वे यू कैन अटेम्प्ट एंड राइट दिस आंसर, प्लीज़ अटेम्प्ट दिस आंसर एंड सबमिट योर आंसर ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। बहुत से बच्चे मुझे आंसर इंडिविजुअली टेलीग्राम पर दे रहे हैं एंड आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू ट्रैक ऑल दोज आंसर्स एंड इन मेनी केसेज आई हैव नॉट बीन एबल टू प्रॉपरली कम्युनिकेट टू देम एंड गिव देयर आंसर इन अ चेक्ड फॉर्मैट। इन ऑल सच केसेज वेयर द स्टूडेंट्स हैव रिटन देयर आंसर एंड सबमिटेड टू मी ऑन टेलीग्राम 1-to-1 मैसेज, इन ऑल सच केसेज आई रिक्वेस्ट दो स्टूडेंट्स टू प्लीज ड्रॉप मी अ मैसेज और अ रिमाइंडर सेइंग दैट सर दीज आंसर्स आर पेंडिंग टू बी चेक्ड। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज शेयर योर आंसर ऑन द ग्रुप इट सेल्फ, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंडिविजुअली ट्रैक ईच आंसर फ्रॉम एनी स्टूडेंट। These are the answers of the yesterday's discussion, जो MCQs थे वो उनके आंसर यहाँ पर मैंने दिए हैं। You can see these answers. This is all from my side. Thank you.